बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मीर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। आज हम बात करेंगे मीडियन की। ग्रुप डेटा से मीडियन कैलकुलेट करना हो तो उसका तरीका क्या होगा? अब जानते हैं मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम इन सब की बात इकट्ठी करेंगे कि एक डेटा से अगर हम ये चीजें यानी मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल कैलकुलेट करना चाहें तो किस तरह से करेंगे। मीडियन की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इसी डेटा को हमने यूज किया था। तो हम Q1 से शुरू करते हैं। क्वार्टाइल 1 का फार्मूला हमारे पास होगा L+H/F(n/4-C). सबसे पहले हमने डिसाइड करना होता है कि ये कौन सा ग्रुप है। जैसे मीडियन कैलकुलेट करना हो तो डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्लास है जिसमें मीडियन फॉल करता है। इसी तरह Q1 के लिए हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा ग्रुप या कौन सी क्लास है जिसमें Q1 या क्वार्टाइल 1 फॉल करता है। उसके लिए हमने n/4 कैलकुलेट किया। आप जानते हैं n से मुराद यहाँ समीशन f है। समीशन f/4 किया हमने तो ये वैल्यू हमें मिली 29.75। तो हमने ये वैल्यूज, अब हमने पहले ग्रुप डिसाइड करना है। 29.75 हमारे पास कहाँ फॉल करता है, तो 29.75 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेस करना होता है, यानी इसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है। आप अगर देखें तीसरा ग्रुप, तो तीसरा ग्रुप पोजीशन ले रहा है 17 से लेके 35 तक। 16 तक पोजीशन जो है वो दूसरे ग्रुप की है और 4 तक पोजीशन जो है वो पहले ग्रुप। इसका मतलब है 29.75 पोजीशन जो है वो तीसरे ग्रुप की है, इसलिए कि तीसरे ग्रुप की पोजीशन शुरू हो रही है 17 से और ये 35 तक जाती है। तो ये हमारा ग्रुप जो है 10 से 20, इसको हम कहेंगे ये हमारी Q1 क्लास है। अब ये इंफॉर्मेशन सारी हम यहाँ से लेंगे। L क्या है? L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द Q1 क्लास। हमने क्लास डिसाइड की है 10 से 20, तो 10 से 20 वाली क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 10 है, अपर क्लास बाउंड्री हमारे पास 20 है। तो हमने L की जगह पे 10 लगा। उसके बाद है H। H इज द क्लास इंटरवल ऑफ द मॉडल क्लास Q1 क्लास। तो Q1 क्लास है यहाँ पे 10 से 20, 10 उसकी लोअर क्लास बाउंड्री है, 20 उसकी अपर क्लास बाउंड्री है, तो 20 में से 10 माइनस कर दें, ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया, ये वैल्यू हमें मिली 10। तो हमने H की जगह पे 10 लगा दिया। F इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, यानी Q1 क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास 19 है, हमने वहाँ पे 19 प्लेस कर दिया। n/4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कराए हैं, 29.75 वो वैल्यू हमने लगा दी। माइनस C इस क्लास की नहीं होती, वो प्रीवियस क्लास की होती है, इससे पिछली क्लास की होती है। भले हम मीडियन कैलकुलेट कर रहे हों, क्वार्टाइल कर रहे हों, डिसाइल कर रहे हों, परसेंटाइल कर रहे हों, बाकी सारी इंफॉर्मेशन उस ग्रुप की होती है जिसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ये सिर्फ C जो है वो प्रीवियस क्लास की होती है। सो इससे प्रीवियस क्लास है 5 to 10, जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16, तो हमने C की जगह 16 लगा दिया। हमारे पास कैलकुलेशन होने के बाद इसका आंसर बना 10+7.24 = 17.24। अच्छा, जब आपके पास आंसर आ जाए तो एक नज़र उसको चेक भी कर लें कि जो क्लास हमने डिसाइड की थी ये उसमें फॉल भी करता है, ये उसमें फॉल करना चाहिए। हमने क्लास डिसाइड की थी 10 से 20, इसके मीनिंग ये बनते हैं कि Q1 का आंसर इस रेंज में आना चाहिए, 10 से 20 की रेंज। हमारा आंसर आया 17.24, ये इसी रेंज में है, हम इसको दुरुस्त कहेंगे। बात होगी Q3 की, तो फार्मूला होगा L+H/F(n/4-C). अब इसके लिए हमने पहले क्लास ट्रेस करनी है, तो 3n/4 कैलकुलेट करेंगे। 3n/4 से मुराद है 3 × 119/4। ये वैल्यू हमें मिली 89.25। अब 89.25 को हमने CF में ट्रेस करना है। CF में अगर हम ट्रेस करें तो 58 से आगे आ रहा है 90 तक की जो पोजीशन है वो कौन सा ग्रुप ले रहा है, वो ग्रुप है 30 से लेके 34।
91 पोजीशन अगला ग्रुप लेगा, इसका मतलब है ये जो 89.25 है इसी रेंज में आएगा। 90 पोजीशन जो ग्रुप ले रहा है उसकी पोजीशन शुरू कहाँ से होनी है, उसकी पोजीशन शुरू होनी है 59 से। 58 तक पोजीशन ग्रुप ले रहा है 20 से 23, जब 59 पोजीशन होगी तो वो अगले ग्रुप में चली जाएगी 30 से 40, और 59 से लेके 90 तक सारी की सारी पोजीशन 30 से 40 वाली है। तो 89.25 जो हमारे पास 3n/4 की वैल्यू है वो इसी रेंज में फॉल करती है। सो हमारा ग्रुप हुआ 30 to 40, Q3 क्लास हुई 30 to 40। हमने इसमें वैल्यूज लगानी है जी। एल की वैल्यू हुई हमारे पास 30, एल क्या है लोअर क्रॉस बाउंड्री है इस क्लास की, वो 30 है, हमने वो प्लेस कर दी। फिर हमारे पास है एच, एच है अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्रॉस बाउंड्री इसी क्लास की, हुआ 40 - 30, उसका आंसर भी हमारे पास 10 आ गया। 30 + 10 डिवाइडेड बाई इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि 32 है, वो लगा दी हमने। फिर ब्रैकेट के अंदर है 3n/4 हम कैलकुलेट करके आए हैं, पहले उसका आंसर था 89.25, हमने 3n/4 की जगह पे लिख दिया 89.25 माइनस सी इस क्लास की नहीं होती, वो प्रीवियस क्लास की होती है, तो सी हमारे पास हुआ 58। हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये वाला पोर्शन सिंप्लीफाई होकर बना 9.76, उसमें एल की वैल्यू यानी 30 को हमने ऐड कर दिया तो Q3 का आंसर आ गया 39.76। हम बात करना चाहते हैं D8 की, फार्मूला हो गया L प्लस H ओवर F इनटू 8n/10-6। अब सबसे पहले हम क्लास की साइड करेंगे तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा 8n/10। 8n/10 हमने कैलकुलेट किया, n की जगह पे हमने क्या लगाया, n की जगह पे लगाया हमने 119, हमारे पास आ गया 119 मल्टीप्लाइड बाई 8/10, तो ये हमारा आंसर हुआ 95.2। जाके CF में हमने ट्रेस करना है तो हमें वहां से पता चलेगा कि D8 कहां से हमें मिलेगा। तो 95.2 को जब हम यहां पे ट्रेस करने जाएंगे तो 90 तक की पोजीशन जो है वो 30 से 40 वाले ग्रुप में कैरी की हुई थी, 91 पोजीशन अगले ग्रुप में चली गई, 92 भी अगले में, 93, 94, 95, 96, 106 पोजीशन तक। तो 95.2 जो है वो इसी रेंज में फॉल करता है, यानी इसका ग्रुप कौन सा बना, इसका ग्रुप बना 40 से 50। हम बात कर रहे हैं D8 की, D8 का हमने ग्रुप डिसाइड कर लिया 40 से 50। तो बाकी सारी इंफॉर्मेशन इस ग्रुप की होगी, सी एस का नहीं होगा, वो प्रीवियस क्लास का होगा। हमने ये वैल्यूज फार्मूला में प्लेस करनी है। एल हुआ हमारे पास 40, ग्रुप था 40 से 50, तो एल से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री, इस ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री हमने कहा 40 है, तो हमने एल की जगह पर 40 प्लेस कर दिया। उसके बाद है क्लास इंटरवल, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसी भी क्लास का क्लास इंटरवल होता है उस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसकी अपर क्लास बाउंड्री 50 है, लोअर क्लास बाउंड्री 40 है, तो 50 - 40 10 हुआ, तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया। डिवाइडेड बाई एफ है इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो 16 है, वो हमने 16 लगा दी। और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 8n/10-c, 8n/10 हम पहले ही कैलकुलेट कर रहे हैं 95.2, 95.2 में से हमने माइनस करना है 90, तो ये आ जाएगा 5.2। हमने इसको सिंपलीफाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया 40.86। हम बात करेंगे P13 की, P13 का फार्मूला हुआ L प्लस H ओवर F इनटू 13n/100-6। अब हमने पहले क्लास डिसाइड करनी है कि P13 बनेगा किस क्लास में जाके हमारे पास, तो 13n/100 में हमने क्या करना है, 13n/100 में हमने वैल्यूज लगाई n की, तो 13 × 119/100, तो ये हो गया 1547/100, और ये हमें आंसर मिला 15.47। अब 15.47 हमारे पास वैल्यू आई 13n/100,
हमने 15.47 को ट्रेस करना है कि ये किस ग्रुप में आता है। पहला ग्रुप पोजीशन ले रहा है 1 से लेके 4 तक, 5 पोजीशन दूसरे ग्रुप को मिल रही है, अब कहाँ तक दूसरे ग्रुप को पोजीशन मिल रही है 5 से लेके 16 तक। 15.47 चूंकि इसी रेंज में आता है, लिहाजा हमारा 3N/100 के लिए ग्रुप डिसाइड हुआ 5 से 10, क्लास डिसाइड हुई 5 से 10। अब इसमें लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 5 है, क्लास इंटरवल हमारे पास है 10-5, इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमारे पास 12 है, तो 3N/100 हम कैलकुलेट करके आए हैं। 15.47 माइनस सी है इससे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारे पास 4 है। हमने ये वैल्यूज फार्मूला में लगा दी, एल की जगह पर मैंने लिख दिया 5, और ये 5 कहाँ से लिया, जो क्लास डिसाइड की थी उसकी लोअर क्लास। उसके बाद एच की जगह पे लगा दिया 5, ये 5 कहाँ से आया, ये 5 आया उस क्लास जो हम डिसाइड करके आए, उस क्लास की अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, दैट इज 10-5 इज 5, 12 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। 15.47 था 13N/100 का आंसर, और माइनस उसमें से सी कर दिया, सी आप जानते हैं इस क्लास की नहीं होती बल्कि प्रीवियस की होती है, तो हमने उसकी जगह पर 4 लगा दिया। ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास आया 11.47, उसको मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 12 के साथ डिवाइड किया और जो आंसर है उसमें 5 ऐड किया, तो P13 का आंसर हमें मिल गया 9.77। एक नज़र उसको देखना ज़रूर है कि जो हमने क्लास डिसाइड की थी उसमें फॉल भी करता है। क्लास हमने डिसाइड की थी 5 से 10, तो 5 से 10 वाली क्लास में इसको चेक कर लेना कि ये उसमें आता है या नहीं। 9.77 5 से 10 वाली क्लास में फॉल करता है, सो आंसर इज। अगर हमारे पास मेजर्ड डेटा हो, वेरिएबल की नेचर मेजर्ड हो लेकिन उसको लिखा हुआ डिस्क्रीट सीरीज की शेप में, तो उसमें मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल या मोड कैलकुलेट करने से पहले हमने उसे ग्रुप्स में यानी क्लास बाउंड्रीज की शक्ल में कन्वर्ट करना होता है, फिर हमें प्रीसाइज आंसर मिलता है। तो मैं उस टाइप का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके पास, मैंने लिखा कैलकुलेट मीडियन हाइट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स में लिखा हाइट इन इंचेस, हाइट इन इंचेस में 47 जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, फिर 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 53 जिसकी फ्रीक्वेंसी 16 है, फिर 56 जिसकी फ्रीक्वेंसी 19 है, 59 फ्रीक्वेंसी 23, 62 फ्रीक्वेंसी 30, 65 फ्रीक्वेंसी इज 12, एंड द सम ऑफ एफ इज 108। आप इसको यूं भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये असल में था ग्रुप डेटा ही, लेकिन हाइट इन इंचेस के नीचे जो हमें वैल्यूज दी गई हैं ये मिड पॉइंट्स की हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं। तो जैसे हम क्लास बाउंड्री से मिड पॉइंट्स बनाते हैं, हम मिड पॉइंट से क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं। किस तरह से, दो मिड पॉइंट्स का डिफरेंस ले लें, पहला मिड पॉइंट है 47, दूसरा है 50, 50 में से 47 माइनस कर दें, कितना आंसर आ गया 3, 3 को 2 पे डिवाइड कर दें, आंसर कितना है 1.5। अब 1.5 मिड पॉइंट में से माइनस करेंगे तो लोअर बाउंड्री बन जाएगी, 1.5 मिड पॉइंट में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री बन जाएगी। हमने क्या किया, हमने किया 47 माइनस 1.5, ये आ गया 45.5, ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री पहली क्लास की, फिर हमने किया 47 प्लस 1.5 तो ये आ गया 48.5, ये पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी। सिमिलरली दूसरा मिड पॉइंट था 50, हमने उसमें से 1.5 माइनस किया तो 48.5 हुई लोअर क्लास बाउंड्री, और हमने 50 में 1.5 ऐड किया तो ये 51.5 हो गया जो कि अपर क्लास बाउंड्री बन गई। तीसरे ग्रुप का हमारे पास मिड पॉइंट था 53, 53 में से हम 1.5 माइनस करें तो हमें मिल गया 51.5, ये उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी, 53 में 1.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 54.5, ये उसकी अपर क्लास बाउंड्री होगी। चौथे ग्रुप का मिड पॉइंट 56, उसमें से 1.5 माइनस किया तो 54.5 आ गया,
जो कि अपर लोअर क्लास बाउंड्री हुई 56 में 1.5 ऐड किया तो 57.5 उसी क्लास की अपर क्लास बाउंड्री आ गई। अगले ग्रुप की मिड पॉइंट है 59, 59 में से 1.5 माइनस किया तो 57.5 आ गया और 59 में जब हमने 1.5 ऐड किया तो ये 60.5 आ गया। ये क्लास बाउंड्रीज होगी इस क्लास की। सेकंड लास्ट ग्रुप का मिड पॉइंट 62, उसमें से 1.5 माइनस किया तो मिला 60.5, ये हुई लोअर क्लास बाउंड्री और 62 में 1.5 ऐड किया तो ये बन गया 63.5, ये होगी अपर क्लास बाउंड्री। इसी तरह लास्ट ग्रुप का मिड पॉइंट हमारे पास 65 में से हमने 1.5 माइनस किया तो हमें मिला 63.5 और 65 में 1.5 ऐड किया तो हमें मिल गया 66.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्री हो गई लास्ट ग्रुप की। जब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हमने उसी तरह से इसको सॉल्व करना है जैसे पहले सॉल्व करते थे। जैसे Q1 इसका कैसे लेंगे, Q1 का फॉर्मूला होगा L+H/N/4 माइनस। सबसे पहले हम N/4 डिसाइड करेंगे। N/4 को किस में देखना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाया। ये कैसे बना, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज उठा के प्लेस कर दी। दूसरी कैसे बनी, पहले ग्रुप की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में दूसरे ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ऐड की, यानी 3+5 इज 4, फिर 8+16 इज 24, फिर 24+19 इज 43, फिर 43+23 इज 66, फिर 66+30 इज 96, 96+12 इज 108। आप जानते हैं ये 108 वही होता है जो समेशन आफ्टर हमारा, ये हमेशा बराबर होती है। अगर ये बराबर ना हो तो इसका मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन गलत, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला आंसर गलत। हमने फार्मूला लिखा Q1 का L+H/N/4 माइनस सी। अब हमने पहले N/4 कैलकुलेट करना है कि वो कितना बनेगा, तो N/4 हमारे पास हुआ 4 जब हम बनाएंगे इसका वो होगा समेशन F/4। समेशन F/4 से मुराद है 108/4। आप इसका आंसर लेंगे, बाकी प्रोसीजर कैसे करना है हम पिछले क्वेश्चन में डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आपने 108/4 जो वैल्यू आएगी उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ट्रेस करना है, वो वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आपको डिटरमिन कर देगी तुम्हारा ग्रुप कौन सा है और उस ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसके लिए कैलकुलेशन कर लेंगे। एल उस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होगी, एच उस क्लास का क्लास इंटरवल होगा, एफ उस क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, N/4 से मुराद F/4 होगा यानी 108/4 और सी प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली हम Q3 की बात करेंगे तो क्लास डिसाइड करनी होगी 3N/4 क्योंकि इसका फार्मूला है L+H/F(3N/4 माइनस। जब हम 3N/4 बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3×108/4। जो भी वैल्यू बनेंगे उसको CF में ट्रेस करेंगे, CF में जब ट्रेस करेंगे तो हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारी कौन सी क्लास है। उस क्लास के लिए L से मुराद होगा लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दैट क्लास, H से मुराद होगा उसका क्लास इंटरवल जो अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करके लेते हैं, F उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, 3N/4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं, C से मुराद होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की, वो हमारे पास मौजूद होगी, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। मैंने साथ नोट की शक्ल में ये लिख दिया कि इफ वी वांट टू कैलकुलेट मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल और परसेंटाइल फ्रॉम डिसकंटीन्यूअस ग्रुप्ड डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कंटीन्यूअस ग्रुप्ड डेटा। ये जो बाहर नजर आ रहा था ना आपको डिस्क्रीट सीरीज, असल में ये कंटीन्यूअस ग्रुप्ड डेटा है क्योंकि वेरिएबल की नेचर जो है वो हाइट है। आप जानते हैं 47 अगर हम हाइट कहते हैं तो 47 से मुराद ऑब्जेक्टिव 47 नहीं होती बल्कि इंटरवल होता है। सो आपने इस तरह के डेटा से मेजर्ड वेरिएबल, मेजर्ड कौन कौन सा होगा, वेट मेजर्ड होगा आपके पास, हाइट मेजर्ड होगी आपके पास, लेंथ मेजर्ड होगी, इस तरह का डेटा जब मेजर्ड का आ जाएगा, टेम्परेचर आपके पास मेजर्ड होगा,
मिलियट का डाटा जब इस शेप में आ जाए इक्वल इंटरवल के साथ, इक्वल इंटरवल आपको नजर आ रहे हैं 47 के बाद 50 है, फिर 53 है, फिर 56 है, फिर 59 है, एंड सो ऑन, तो उसमें आपने मीडियन क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल कैलकुलेट करने से पहले उस डाटा को इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव ग्रुपिंग में यानी क्लास बाउंड्रीज वाली शेप में कन्वर्ट कर। जी हमारे पास एक और डाटा हमने लिया जिसमें ग्रुप्स है हमारे पास 47 है, फिर 50, फिर 53 एंड सो ऑन, साथ उसकी उसी तरह से फ्रीक्वेंसी है। हम उसके लिए मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एल प्लस एच ओवर एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी, एन बाई टू हमने पहले कैलकुलेट कर लेना है, वो आ गया 107 डिवाइडेड बाई टू, ये हुआ 53.5। 53.5 को CF में ट्रेस कर लें कि ये कहाँ फॉल करता है। अब जानते हैं तीसरा ग्रुप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है 27 तक, 28 पोजीशन जो है वो चौथा ग्रुप ले रहा है, चौथा ग्रुप 28 पोजीशन ले रहा है और कहाँ तक 55 तक, 53.5 इस रेंज में आता है, तो हमारे पास मीडियन क्लास यहाँ पे 54.5 से 57.5। अब इसकी इंफॉर्मेशन सारी की सारी जो है वो मीडियन की कैलकुलेशन के लिए, एल की जगह पे हमने लगा दिया 54.5 और एच क्या है, एच है इसी क्लास की क्लास क्लास इंटरवल, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री माइनस करके। अपर क्लास बाउंड्री थी 57.5, लोअर क्लास बाउंड्री है 54.5, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 3 आ गया। एफ इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे पास डेटा में है 28, वो वैल्यू पुट कर दी, एन बाई टू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर, वो है 53.5, वहाँ पर 53.5 लगा दिया, माइनस सी जो है इस क्लास से प्रीवियस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमने 27 लिख दी। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला बना 22.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करके 28 पे डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 2.84 को हमने एल में यानी 54.5 में ऐड कर दिया, हमारा आंसर हुआ 57.34। किसका आंसर है ये, मीडियन का। मीडियन का आंसर कैलकुलेट करने के बाद इसको चेक भी करना है कि ये उस ग्रुप में फॉल करता है, हमने क्लास डिसाइड की थी 54.5 से 57.5, हमारा आंसर आया 57.34, ये इसी ग्रुप में फॉल करता है, सो आंसर इज ट्रू। मैंने वो ही नोट दोबारा लिख दिया, इफ एनी मेजर्ड डेटा इज प्रेजेंटेड इन द शेप ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड वी वांट टू कैलकुलेट मीडियन मोड क्वार्टाइल डिसाइल परसेंटाइल, तो क्या करना होगा, वी हैव टू कन्वर्ट द डेटा इनटू अ ग्रुप डेटा बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन एंड मोड। अगर आप इस तरह के डेटा में ये ग्रुप्स बनाने के बगैर, ग्रुप्स बनाए बगैर उसकी कैलकुलेशन कर देंगे वो डिस्क्रीट सीरीज वाला फार्मूला यूज करते हुए, तो फिर आपका आंसर एक्यूरेट नहीं होगा, वो बहुत रफ सा मेजर होगा। अगर आप ग्रुप्स बनाने के बाद इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे फिर जो आपके पास आंसर आएगा। Thank you very much.